हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज मैच है पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ, बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान टीम के लिए। और पाकिस्तान टीम के लिए ये मौका है कि श्रीलंका के जो मोरल स्टैंड पर जो है वो काफ़ी डाउन है, क्योंकि पिछला मैच बुरी तरह से जो है वो हराया है न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को। और इस चीज़ का जो है वो पाकिस्तान टीम को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होने वाला है, और फ़ायदा उठाना भी चाहिए पाकिस्तान टीम को। खैर, पाकिस्तान टीम में सुनने में आ रहा है कि शायद एक तब्दीली जो है वो की जाए, फ़खर जमान की जगह पर जो है वो अब्दुल्ला शफीक को जो है वो शायद टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस टाइम पर प्रेशर है पाकिस्तान टीम के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर कि फ़खर जमान परफॉर्म नहीं कर रहे और मुसलसल जो है उनको चांस दिए जा रहे हैं, और उनको जो है वो मेरे ख्याल से कल का जो मैच है श्रीलंका का, क्योंकि एशिया कप में भी जो है श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला शफी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और आज भी सुनने में आ रहा है कि शायद अब्दुल्ला शफी को जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाए। शादाब खान को जो है वो एक और चांस दिया जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने थोड़ा बहुत बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी जो है वो परफॉर्म किया, और अगर आज शादाब खान भी इस मैच में परफॉर्म नहीं करते तो फिर उसामा मीर की जो है वो जगह बनती हुई आपको उस टीम में नज़र आएगी। खैर, फिलहाल आज ये नज़र आ रहा है कि अगर फ़खर जमान को खिलाया गया तो ये उनके करियर का लास्ट चांस होगा कि वो परफॉर्म करें, अगर नहीं करते तो फिर उनको जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं और बात करते हैं ज़ैनब अब्बास की। जी हाँ, ज़ैनब अब्बास को आप जानते होंगे, उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस टाइम पर कंट्रोवर्सी चल रही है एक किस्म की, उनको जो है वो इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया, और वजह ये सुनने में आ रही है कि इंडिया के अदालत में जो है वो कोई एडवोकेट है मेरे ख्याल से, कोई वो केस लेकर गए थे या इस टाइप की जो है वो खबर आ रही है कि ज़ैनब अब्बास ने जो है वो 7-8 साल पहले एक ट्वीट किया था कश्मीरियों के हक में मेरे ख्याल से, और हिंदुओं के ख़िलाफ़ था, और उस वजह से जो है वो उनको टारगेट किया गया और उनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। और इस तरह मीडिया पर भी ये खबरें चल रही हैं कि शायद उनकी जो है वो जान को ख़तरा था या उनको जो है वो थ्रेट्स आ रहे थे, इस वजह से जो है वो उन्होंने उसको जो है वो लीव किया। और ICC का जो है वो इसके ऊपर मौक़िफ़ आया है कि वो पर्सनल रीज़न की वजह से जो है वो टीम से जो है मतलब इंडिया से जो है वो वापस गई हैं। खैर, मेन ख़बर ये है इस टाइम पर कि ज़ैनब अब्बास जो हैं उनको कुछ थ्रेट्स आ रहे थे, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स से, इस वजह से जो है वो उनकी मतलब लाइफ थ्रेट्स थे, इस वजह से जो है वो इंडिया से जो है वो उन्होंने फ़ौरन लीव किया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद उनको जो है वो डिपोर्ट किया गया, और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम को भी जो है वो काफ़ी लेट वीज़े जो है वो इशू किए गए, इसी तरह पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे या सपोर्टर्स थे, फैंस थे उनको भी जो है वो वीज़ा इशू नहीं किए गए। तो आप ये समझ लें कि हर टीम को जो है सपोर्ट करने वाले हर ममालिक से जो है वो खिलाड़ी आए हुए हैं, खिलाड़ी भी आए हुए हैं मेरे ख्याल से, और क्या कहते हैं फैंस आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो है वो ना ही सहाफ़ी गए हुए हैं वहाँ पर, ना ही जर्नलिस्ट वगैरह मतलब, और फैंस भी जो है वहाँ पर नहीं हैं, और मतलब आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी जो नाइली है, पहले आपने सीट्स की भी आपने सुनी होगी, फिर टिकट्स का भी इशू चला, फिर अब जो है वो कल इंडिया और मतलब कि मैच था ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर भी जो है वो पावर कट हुई, इससे पहले जो है वो न्यूजीलैंड का जो मैच था वहाँ पर भी पावर कट हुई, आज जो न्यूजीलैंड और नैदरलैंड का मैच था, मैच के दरमियान जो है वो लाइट चली गई। तो बहुत ही गंदी किस्म की जो है वो मैनेजमेंट है इंडिया की, और बातें तो काफ़ी ज़्यादा करते थे पाकिस्तान की, और मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में कोई इशू बन जाता तो इस चीज़ की जो है वो लेकर चल रहे थे, लेकिन अब जो है वो इस तरह की जो है वो काफ़ी मतलब आप समझ लें कि ग्लिचेस आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह का मसाइल लाइट्स की जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो पीसीबी ने जो थ्रेट्स आए हैं पाकिस्तान टीम को, बहुत सारी ईमेल्स आई हैं पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को और पीसीबी को कि हम जो है वो मैच में हमला करेंगे, गुजरात वाला जो अहमदाबाद में मैच है तो उसको लेकर जो है वो पीसीबी ने काफ़ी सख्त मौका फरमाया, और सिक्योरिटी जो है वो इंडिया से मांगी है मज़ीद कि पाकिस्तान का जो अहमदाबाद में मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी दी जाए, और पाकिस्तान टीम पीसीबी जो है उस चीज़ को काफ़ी गौर से देख रहा है। इसके अलावा पीसीबी ने जो है वो अपने जो फास्ट बॉलर्स हैं हसनैन, इसके अलावा नसीम शाह, इसके अलावा एहसानुल्लाह, उनकी जो है वो अपडेट दी है, और नसीम शाह जो है वो हॉस्पिटल से जो है वो मतलब उनको जो है वो अब डिस्चार्ज कर दिया गया, और अब उनका जो रिहैब का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। इसके अलावा हसनैन जो हैं वो भी जो है अब वर्किंग कर रहे हैं, और वो भी तकरीबन नज़दीक है उनकी जो है मतलब कि रिहैब का उनका भी प्रोसेस चल रहा है, और एहसानुल्लाह जो है वो भी रिकवरी के करीब हैं, और एक वीक के दरमियान जो है वो सेट होकर जो है वो आपको प्रैक्टिस करती हुई नज़र आएंगे। तो ये सारी आज की अपडेट्स थी पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और बाकी जो इस टाइम पर मामला चल रहे हैं सिक्योरिटी के या बाकी जो हैं, तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो ये छोटी अपडेट थी, अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।